तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। पहले ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट, उसके बाद में सारा कुछ आपके हाथ में दे दूंगा। देखिए, यह वीडियो मेरे क्लास का नोट्स है। इसमें आपको 101 पेज का नोट्स दिया जा रहा है फ्री में, ठीक है। 101 पेज का नोट्स, और ये सभी मैंने खींचा हुआ है अपने नोट्स के, ठीक है। तो जो हमारे नोट्स थे, हम पढ़ते थे, वो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या है पहले ये जान लीजिए, और किसको काम देगा ये जान लीजिए, ठीक है। देखिए, ये दो चीज़ों में काम देगा, एक कोर्स में और एक पढ़ाई में। कोर्स में किनको काम देगा, देखिए, जो लोग DCA का कोर्स करते हैं, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCA, ठीक है। DCA 6 महीने का कोर्स है, ADCA 1 साल का कोर्स है। इन दोनों में आपको काम देगा। साथ में जो ग्रेजुएशन में कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड मल्टीमीडिया होता है, पेपर का नाम अलग अलग रहता है कि कहीं पे होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कहीं पे एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कहीं पे कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया, ठीक है। तो इन सभी जगह में जहाँ पर भी कंप्यूटर का पढ़ाई है, सेमेस्टर वगैरह में, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 में होता है, सेमेस्टर 3 में होता है, ठीक है, इसमें काम देगा। और साथ में ADCA में काम देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा PDF में, वो जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे मिलेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर माने होता है कंप्यूटर के बारे में जितना भी जानकारी होता है, मूलभूत जानकारियाँ वो, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा MS ऑफिस के नोट्स। MS ऑफिस में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, और पावर पॉइंट आता है। ये 3 नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको मिलेंगे फंडामेंटल, जिसमें आपका कंप्यूटर का CPU, RAM, ROM, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है, मेमोरी यूनिट, इन सब के बारे में। और इसके अलावा HTML का भी यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है। HTML समझते हैं, HTML इसका फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग करने सिखाया जाता है। तो ये सारे नोट्स मैं 101 पेज का नोट्स दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें पहला है आपका व्हाट इज कंप्यूटर, और उसके बाद ये सारे नोट्स आपके काम देंगे पढ़ाई में, ठीक है। और बखूबी आपको यहाँ पे फिगर के साथ, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, ये सारे इमेज के साथ आपको यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। ये देखिए, माउस, विभिन्न प्रकार के माउस होते हैं, आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, लैपटॉप क्या है, लाइट पेन क्या है, इन सब के बारे में, स्कैनर क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक जो MIRCR होता है बैंक में, वो क्या है, सब कुछ इमेज में आपको समझाया गया है, ठीक है। और ये मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, मतलब रखा रखा क्या करूँगा, सोचा कि यार मुझे भी खाली करना है तो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको काम है तो। और फ्री में नोट्स है, ये सारे नोट्स आपको इजीली नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है इस नोट्स को। देखिए, ये CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कैसेट बोलते हैं, ये SD कार्ड है, ठीक है। फिर आपका CD आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये DVD जो पहले हम लोग चलाते थे और गाना सुनते थे, फिल्म देखते थे, एक डिस्क, दो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, सब के बारे में डिफाइन किया गया है। हाँ, इसका जो लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी में बहुत कम आता है, ठीक है। और आप जो ADCA का पढ़ाई करेंगे, ये भी आपका इंग्लिश में ही होगा, DCA का पढ़ाई करेंगे वो भी इंग्लिश में होगा, और ग्रेजुएशन का पढ़ाई करेंगे वो भी इंग्लिश में होगा, इसलिए इसको इंग्लिश में रखा गया है, ठीक है। तो ये पुराना कंप्यूटर फिर आपका LCD वर्जन में आ गया, ठीक है। इस तरह से सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, और बखूबी इमेज दे के बताया गया है, ठीक है। ये आपका प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर भी बहुत सारे होते हैं, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, प्रोजेक्टर, इन सब के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे नोट्स मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसको PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, और वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको ज़रूरत है। अगर आपका कोई दोस्त जिसे लगता हो कि नहीं उसके लिए वीडियो अच्छी हो सकती है, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। मुझे भूख लग गया है यार, खाना खाने जाना है, तो अब वीडियो को एंड करते हैं।